जन्माष्टमी के दिन उसने 1 लाख रुपए की दही हांडी रखने की बात की है तो उसका क्या होगा? काम मुश्किल जरूर है अंजलि, लेकिन ये जो टप्पू है ना वो इंतजाम कर लेगा। ओके सुंदर, काम हो जाएगा। देखना टप्पू, पूरे शहर में सुपर हिट होगी हमारी गोकुल धाम की दही हांडी। गोकुल धाम सोसाइटी में दही हांडी फोड़ने के लिए पूरे 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। इस बार का दही हांडी प्रोग्राम हमारा चैनल ना सिर्फ लाइव टेलीकास्ट करेगा बल्कि उसके लिए 1.5 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप भी देगा। क्या बात है, क्या बात है। निराशी चली गई, एक भी टोली ऐसी नहीं थी जो कि हमारी इस दही हंडी को फोड़ पाई हो। अब देखना ये है कि यहाँ पर कोई नई टोली आती है या फिर ये दही हंडी भी हमारी टप्पू सेना को ही तोड़नी पड़ेगी। मटकी को कोई छू भी नहीं पाया। आप लोग को लगता है कि आप इसे फोड़ पाएंगे? अरे मैडम, इससे भी ऊपर के अंडे हम लोग फोड़ के आए हैं। क्या रे कह रहा, फोड़ेंगे ना? हम फोड़ के ही जाएंगे। मेहरबानी करके फोड़ देना, नहीं तो हमारी टप्पू सेना को यह मटकी फोड़नी पड़ेगी भाई। देखिए भाई, आपका आत्मविश्वास बहुत प्रशंसनीय है, लेकिन सोच लीजिए, बहुत सारे फोड़ने वाले आ गए लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। 1 लाख का इनाम, इतनी ऊंची मटकी, क्या बोलते हो, फोड़ोगे? बहुत खुशी हुई आप लोगों का ये जोश देखकर। हमें पूरी उम्मीद है कि आप ये मटकी फोड़ पाएंगे। अब माधवी भाभी और दया बेन आइए और इनका स्वागत कीजिए। क्या बात है, लाल की जय। हाथी घोड़ा पाल की जय। कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय। कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय। कन्हैया लाल की। ये देखिए, ये मंडली कितनी ऊपर तक जा पहुंची है। मेरे हिसाब से लगभग 70-75 हजार रुपए तक के लक्ष्य तक तो ये पहुंच ही चुके हैं।
ओहो, इसके साथ इनकी पहली कोशिश हुई नाकामयाब और ये मटकी नहीं फोड़ पाए। हिम्मत और जोश को ब्रेकिंग न्यूज, बाल गोपाल क्रीड़ा मंडल ने ये 1,00,000 रुपए की गोकुल धाम की दही हांडी फोड़ दी है। भाई आप लोगों को एक बात तो कहनी पड़ेगी, सुबह से बहुत सारी टोलियां आई लेकिन कोई मटकी तक भी नहीं पहुंच सका, लेकिन आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, आपने जो बात कही थी उसे पूरी कर दी, बधाई हो। अब आपको मिलेगा ये 1,00,000 रुपए का चेक, यानी कि आपकी इनाम राशि। लेकिन ये चेक आपको देंगे वो लोग जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, यानी कि हमारी टप्पू सेना। इनाम नहीं दिया जाएगा। अरे रुक जाओ, चेक देने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या हुआ चाचा जी? अरे तुम लोगों ने त्योहार को व्यापार बना दिया है, व्यापार। बरोबर है। क्या पैसों के लिए त्योहार मनाए जाते हैं? है? अरे त्योहार में तो खुशी का, भक्ति का महत्व होना चाहिए, ना कि पैसों का। ये बात तो सही है। अरे मुझे जब पता चला कि मटकी का इनाम 1,00,000 है तभी मैं बोलने वाला था, लेकिन जब मैंने देखा कि ये बात टीवी पे आ गई है तो मैं तुम लोगों का उत्साह तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए चुप रहा। देखो भाई बुरा मत मानना, लेकिन पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम इस पैसों का उपयोग कैसे करने वाले हो। हाँ बताइए ना। अच्छे काम में उपयोग करोगे या पार्टी वार्टी करोगे? अरे अरे चाचा जी, ये आप क्या कह रहे? हम लोग वो लोग नहीं है जो हवा में पैसे उड़ा देते, हमारे सभी बच्चे अच्छे अच्छे जगह पे काम करते, हमारा ये बाल गोपाल क्रीड़ा मंडल अनाथ आश्रम को मदद करता है। अनाथ आश्रम के बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाता है। क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह वाह। अच्छा काम कर रहे हैं।
और चाचा जी ये 1 लाख रुपया उसी काम के लिए खर्चा होने वाला है। अगर आपको हमारे ऊपर यकीन नहीं है तो आप खुद हमारे साथ आकर ये पैसा डोनेट कर देना अनाथ आश्रम में। अच्छा, अरे वाह, तब तो आज की दही हंडी सच में सफल हुई है। सही बात है। चले टप्पू, अब इन लोगों को इनका इनाम दे दो। सब सुन लीजिए। हाँ। आज की दही हांडी तो इन लोगों ने सफल कर दी। हाँ। इस मटकी को भी फोड़ दिया और 1 लाख अनाथ बच्चों के लिए जा रहे हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। लेकिन अभी कल हमें इस देश के स्वाधीनता दिवस को इससे ज्यादा उमंग और उत्साह के साथ मनाना है। बिल्कुल, 15 अगस्त गोकुलधाम सोसाइटी में इससे ज्यादा जोश से मनेगी। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। चला। अरे कितनी देर माधवी? कहाँ कितनी देर, 7:45 बजे अभी तक। 7:45 बजे? 7:45 बजे माधवी? अरे आज 15 अगस्त है, हमारा राष्ट्रीय त्योहार। माधवी हमारे जमाने में आज के दिन हम प्रभातकालीन 5 बजे उठते थे। फिर सारे नौजवान मिलकर गांव में इकट्ठा होते थे। फिर गांव की हर गली में हम लोग नारे लगाते थे, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। तो फिर बाबा 5 बजे क्यों नहीं नारे लगाते? अगर मुझसे कहा होता ना तो मैं हमारी पूरी टप्पू सेना के साथ गली गली में जाकर नारे लगाती, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। कितनी गोड़। कोई बात नहीं सुनू, लेकिन मेरा भारत महान ये नारा हमारे दिलों में हमेशा गूंजता रहना चाहिए। वैसे माधवी, आज 15 अगस्त के दिन पर मैंने एक छोटा सा स्पीच तैयार किया है। अच्छा? अपने सोसाइटी में बोलने के लिए। अरे वाह। हाँ, ये देखो। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, एक भारत निवासी, मूल गांव रत्नागिरी, एक सच्चा देश प्रेमी, एक शिक्षक और गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी, आप सभी को 15 अगस्त के आजादी दिन पर बधाइयां देता हूं। क्या हुआ, खत्म हो गया? नहीं, यहाँ पे तालियां बजेंगी। आज के इस शुभ अवसर पर हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अब सोनू, ध्वज बंधन 7 बजे है ना? हाँ। समझ लो। चला। चल, चल। चला चला। ठीक है। टप्पू के पापा आज आप यहाँ पर होते तो मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। टप्पू के पापा अब जल्दी यहाँ पर आ जाओ ना, प्लीज रिक्वेस्ट। मम्मी चलो जल्दी। ओ बेटा, आ रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्री आत्माराम भिड़े का, जिन्होंने आज इस स्वाधीनता दिवस के खास अवसर पे बेहद सारगर्भित और देशभक्ति से परिपूर्ण भाषण दिया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस श्रृंखला के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है हम उस ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि हमारे दिलों में बसने वाले इस तिरंगे का, हमारे ध्वज का आरोहण
ध्वजारोहण। और ध्वजारोहण के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं उस व्यक्ति को जो गोकुल धाम सोसाइटी के हर परिवार का अभिन्न सदस्य है। उसके मुंह पर गोकुल धाम सोसाइटी के किसी भी निवासी के किसी भी इच्छा के प्रति कभी ना नहीं होता। हाँ। वो एक कदम आगे बढ़ के हम सबकी मदद करता है। आइए इस ध्वजारोहण के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अब्दुल को। मैं? हाँ अब्दुल तुम चले आओ। और अब्दुल अब आज स्वाधीनता दिवस के दिन ध्वजारोहण करेंगे। कैसा सुखद संयोग है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी और हमारा स्वाधीनता दिवस दोनों ही लगातार चले आए और हमने भरपूर स्वागत किया। यही तो गोकुलधाम सोसाइटी की विशेषता है। चाहे धार्मिक पर्व हो या राष्ट्रीय, गोकुलधाम सोसाइटी के निवासी पूरे उल्लास उमंग और उत्साह के साथ हर पर्व और हर उत्सव को यादगार बना देते हैं। मैं इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण से यही कह सकता हूं कि हमारे स्वाधीनता दिवस के दिन हमें यह वरदान दें कि हमारा देश तरक्की करे, हमारे देश में वो सब कुछ ना हो जो हमारे देश को दुख पहुंचाता है। ईश्वर का ये वरदान सिर्फ देश के लिए नहीं पूरी दुनिया की तरक्की में सहायक होगा। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।